नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, पुराने कर्मों से जुड़ी कई इच्छाएं और वासनाएं आपके अंदर हमेशा बनी रहती हैं। कुछ लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं और कुछ इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, परंतु कोई इनसे कैसे छुटकारा पाए, आइए जानते हैं इसी बारे में। दोस्तों, इच्छाएं और वासनाएं रक्त बीज के जैसी होती हैं। जब भी आप इनसे युद्ध करते हैं तो आप इनको काटने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही आप इनको काटते हैं इनके रक्त गिरते हैं और इनसे सैकड़ों हजारों इच्छाएं और वासनाएं और पैदा हो जाते हैं, और वो सभी मिलकर आप पर एक साथ आक्रमण कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में इनसे लड़ना कतई बुद्धिमानी का काम नहीं है और इनसे लड़ना भी सही नहीं है। परंतु ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दोस्तों, सदगुरु ऐसा कहते हैं कि जीवन में सिर्फ सर्वोच्च की इच्छा करें, तभी आप अपने वासनाओं या इच्छाओं को सही दिशा की ओर मोड़ सकते हैं, क्योंकि इनसे लड़ना संभव नहीं है। अपनी सभी वासनाओं को सर्वोच्च की ओर मोड़ दें। अगर आप क्रोध भी करते हैं, उसको भी सर्वोच्च की दिशा में लगाएं। अपनी वासनाओं के साथ पेश आने का यह भी एक तरीका है। ऊर्जा का हर अंश जो भी आपके पास, उसे आप इच्छा, वासना, भय, क्रोध तथा कई दूसरी चीजों में खर्च कर देते हैं। हो सकता है ये भावनाएं अभी आपके हाथ में न हो, लेकिन इन्हें एक दिशा देना आपके हाथ में हमेशा ही होता है। हो सकता है जब आप क्रोध में हैं तब आप प्रेम नहीं कर सकते, आप अचानक अपने क्रोध को प्रेम में नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं क्रोध को तो मोड़ा जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी ऊर्जा है कि नहीं? उसे सही दिशा दीजिए। बस आपकी ऊर्जा का हर एक अंश, आपकी हर एक आकांक्षा, भावना, विचार यदि सभी एक दिशा में केंद्रित हो जाएं, तो परिणाम बहुत शीघ्र मिलेगा। चीजें घटित होंगी। एक बार जब आप जान लेंगे कि कुछ बेहतरीन है और आप वहां पहुंचना चाहेंगे, तब उस संबंध में कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब आप इन चीज़ों को एक सही दिशा देना सीख जाते हैं और आपको एक बार इन चीज़ों का एहसास हो जाता है, तब आप लगातार उस दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे आपके सारे सवाल भी खत्म होने लगते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि आधी अधूरी कोशिशों से यह संभव नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं कि आधी अधूरी कोशिशों से आत्मज्ञान नहीं मिल सकता, ठीक उसी प्रकार इनसे भी लड़ने के लिए आपको पूरे मन और पूरी ऊर्जा के साथ लगना होगा। आपके साथ यह बार बार हो सकता है। यह आध्यात्मिक आत्मज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार बहुत दूर दिखाई देता है। एक क्षण के लिए यह काफ़ी करीब भी नज़र आता है, परंतु दूसरे ही क्षण करोड़ों मील दूर दिखाई पड़ता है। फिर एक खास तरह की संतुष्टि आ जाती है। आपको हमेशा यह सिखाया जाता है कि हाथ में आई किसी वस्तु को हाथ में न आई वस्तु से ज़्यादा कीमती मानो। अभी जो यहाँ है वो कहीं और किसी और अन्य चीज़ों से बेहतर है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यह कहीं दूसरी जगह नहीं है, यह अभी यहीं और तुरंत हो सकता है। क्योंकि आप खुद यह नहीं मानते, इसलिए आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं और आपको ऐसा लगता है कि इनसे लड़ना, इनसे जीतना असंभव है। यह बात जान लें कि जो सहज है ज़रूरी नहीं कि वह आसान हो। यह बहुत सूक्ष्म और नाजुक है। जब तक कि आप अपनी पूरी जीवन ऊर्जा इसमें नहीं लगा देंगे, यह ताला नहीं खुलने वाला। आधी अधूरी पुकार से ईश्वर कभी नहीं आते। आधे मन से कोशिश करने पर आत्मज्ञान कभी नहीं होता। इसे सब कुछ मानना पड़ेगा और इसके लिए सब कुछ झोंक देना पड़ेगा। इसमें 12 वर्ष लगेंगे ऐसा नहीं है। एक मूर्ख को अपने अंदर तीव्रता पैदा करने में भले 12 वर्ष लग जाएं, यह अलग बात है। अगर आप अपने अंदर खूब तीव्रता पैदा करें तो यह एक पल में घटित होगा। उसके बाद जीवन धन्य हो जाता है। फिर आप सहज जीते हैं। आप जैसा चाहें जो भी मार्ग चुनें, वह आपके लिए अच्छा और सुगम हो जाता है। परंतु उस एक पल को पैदा किए बिना अपने जीवन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।